जहां बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन जारी है। अलवर के कलेक्ट्रेट का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेराव कर रखा है। 300 साल पुराने मंदिर को जमींदोज करने के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। बीजेपी मंदिर के पुनर्निर्माण और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान के अलवर से आ रही है, जहां बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन जारी है। इस बीच हमारे साथ राम स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज जुड़ चुके हैं। राम स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी धन्यवाद आपका मनीष जी। राम स्वरूप जी, ये बताइए कि बीजेपी अलवर में एक प्रदर्शन कर रही है, 300 साल पुराने मंदिर को कांग्रेस सरकार ने गिरा दिया, जमींदोज कर दिया, उसके बाद बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरह देखते हैं आप इसको? मनीष जी, जो मैं जान पा रहा हूँ अभी जिसमें जुड़ा हूँ, राजपत्र न्यूज के माध्यम से संभवतः मैं जुड़ा हूँ जितना मेरी जानकारी है, और वर्मा जी से बात हो रही है, तो मैं सभी श्रोताओं को और अगर कोई देख भी रहे हैं तो दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि गहलोत सरकार जो है राजस्थान की, इनका ये जिस पार्टी से संबंधित है कांग्रेस पार्टी, उनका तो स्पष्ट एजेंडा रहा है कि वो राम जी के अस्तित्व को ही नकारते हैं। वो जब राम जी को ही नहीं मानते तो किसी भी देवी देवताओं को मानने का सवाल नहीं उठता, और वो मंदिर उनकी नजर में कुछ है नहीं, इसलिए वो उसको तोड़वाने का काम करो। और असलियत क्या है पता है इसके लिए? इसमें इसके पीछे षड्यंत्र जो है, ये वास्तविकता इस कारण हो रहा है कि ये सब वोटों के कारण हो रहा है, ध्रुवीकरण करके और तुष्टीकरण करके, एक पक्ष का, एक मजहब के लोगों का तुष्टीकरण करने के लिए काम हो रहा है। और तुष्टीकरण की नीति ने इनको अंधा कर दिया, वोटों की राजनीति ने इनको गंदा कर दिया, और ऐसी सियासत को हम मिटा के रहेंगे और हम भारत को पुण्य भूमि बना के रहेंगे। तो हम लोगों का तो संकल्प है, निश्चित ही हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग जो राम जी के अस्तित्व को ही नकारते हैं वो कैसे सहन करेंगे मंदिरों को, इसलिए वो तुड़वाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनका असली चरित्र लोग देख रहे हैं, और जो कांग्रेस पार्टी कभी देश भर में हुआ करती थी आज मात्र 2 राज्यों में है, और शीघ्र ही वहां से भी उसका सफाया हो जाएगा, टुकड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसी जगह है जहां पर आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए और भी कई ऐसी जगह है जहां पर अवैध निर्माण के रूप में गिराए गए हैं, कई मंदिर तोड़े गए उत्तर प्रदेश में भी और भी कई ऐसी जगह तोड़े गए हैं, तो फिर आखिर अलवर में ही इतना हंगामा क्यों? फिलहाल कहा जा रहा है कि जो मंदिर गिराया गया, 300 साल पुराना जो मंदिर गिराया गया, और गिराने वाले जो भी लोग थे उसमें जो भी दोषी पाए गए कुछ लोगों को तो सस्पेंड भी कर दिया गया है, तो फिर इतना हंगामा क्यों और इतना क्यों उग्र बीजेपी हो रही है? क्या बीजेपी भी अब ये जान गई है कि अब गहलोत सरकार को अगर घेरना है तो इससे अच्छा मुद्दा नहीं है, ये मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है इसको? आप शायद कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ मंदिर तोड़े गए, ऐसा कुछ आपका आशय है। मैं आपको बता दूं, हम हिंदू हैं, आनंद के सिंधु हैं, चींटी को कण और हाथी को मन देने की हम बात करते हैं, तो ऐसे में अब यहाँ बात ये आती है कि हिंदू समाज हमेशा से सुधार का पक्षधर रहा है। हमारे अगर धर्म में, संस्कृति में कोई चीज अगर गलत रही है तो हमने उसको हमेशा सुधारा है, चाहे वो बाल विवाह की बात ले लें या इस तरह की सती प्रथा या जो तथाकथित आरोप, हमने उनमें सुधार किया। हिंदू धर्म अपने आप को संशोधन करता रहता, अपडेट करता रहता। अब बात आई मंदिर की, तो यहाँ अगर कोई मंदिर किसी कारणवश कहीं अगर रास्ते में भी आया और सरकार ने कहा तो समाज ने मिलकर के उस मंदिर को भी हटाया, समाज के हित के लिए, देश के भले के लिए। लेकिन वो मंदिर जो सदियों से 300 वर्ष पुराना मंदिर था उसको बलपूर्वक तोड़ना, और वो भी किस लिए? कि किसी को तुष्ट करना है, तुष्टीकरण करना है, उसके लिए ऐसे काम करना घोर निंदनीय है, ये निश्चित रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। और भारतीय जनता पार्टी अगर विरोध कर रही राजस्थान में तो एकदम सटीक है, इनका विरोध होना चाहिए। सुधार के लिए, समाज के भले के लिए जहां तक बात है तो समाज प्रस्तुत है। ब्रह्मचारी महाराज जी, एक चीज और देखिए आप कि 300 साल पुराना जब मंदिर गिराया गया जी, जब गिराया जा रहा था तब भारतीय जनता पार्टी के लोग उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त संत महात्मा कहाँ थे? ऐसा तो है नहीं कि आए एक बैग उन्होंने गिरा दिया। जब गिराया गया होगा तो काफी टाइम लगा होगा, किसी मंदिर को गिराने में, उसको जमींदोज करने में भी टाइम लगता है। उस वक्त कहाँ थी ये भारतीय जनता पार्टी? उस वक्त क्यों नहीं विरोध किया गया? अगल बगल के लोगों ने विरोध किया? निश्चित रूप से जब गिराया तब नहीं पहुंचे होंगे लोग, क्योंकि सूचना फैलने में और लोगों को एकत्रित होने में समय लगता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जब तक पता नहीं था तब तक हम लोग नहीं बोल पाए, लेकिन जैसे ही संज्ञान में विषय आया और जैसे ही लोगों को पता चला तो लोग तुरंत वहां एकत्रित होने लगे और अपना विरोध दर्ज कराने लगे। तो समय लगता है, लेकिन ये कि जब हमारी जानकारी में आया तो हम निश्चित रूप से हमने बोला है और बोलते रहेंगे।
अच्छा, अब ऐसा नहीं हो गया है कि एक देश में अब हिंदू मुसलमान, अब हम मस्जिद गिरा रहे हैं, कोई मंदिर गिरा रहा है, तो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है? यहाँ पर इतना पुराना जब मंदिर गिराया गया राजस्थान में, जी ऐसा तो है ना, गहलोत सरकार को पता नहीं था, गहलोत सरकार को पता था, इतना पुराना जब मंदिर गिराया गया, तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है, उधर वो कहते हैं कि बीजेपी वाले तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमानों को अलग करने की कोशिश की जा रही है, ये बताया जा रहा है कि आप मुसलमान हैं, ये बताया जा रहा है आप हिंदू जहां तक बीजेपी पार्टी की बात है, तो हैं। वो उसके संबंध में कुछ भी अगर प्रश्न है तो वो उसके अधिकृत प्रवक्ता ही दे पाएंगे। हम क्योंकि समर्थन जरूर करते हैं, लेकिन हम कोई दायित्ववान पदाधिकारी नहीं है। हम धर्म के रूप में देश के ओर से, नहीं, धर्म हम की एक ओर एक से एक एक हम आप बहुत अधिक। महाराज हैं, आप कथावाचक हैं, आप कथा भी करते हैं, तो मैंने जी, हाँ, उसके संदर्भ में कहा, क्योंकि आपके पास कई मैं पब्लिक आती है, आपका उसी कथा परिप्रेक्ष्य सुनता में है। बोल रहा हूँ कि पार्टी की ओर से तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जहां तक धर्म की बात है और ये जो हो रहा है, तो आपका प्रश्न यही था कि पहले क्यों नहीं और अब क्यों इस तरह का आदर नहीं, करके। मेरा जी मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर तोड़कर, मस्जिद तोड़कर ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, तो जो एक भाईचारा जो बना हुआ था, जो एक जी भाईचारा बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो भाईचारा खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब कहीं पर भी मंदिर टूटेगा तो स्वाभाविक सी हाँ बात है, हिंदुओं के मन में आएगा कि भैया मंदिर टूटा है, ठीक है, जी और ये मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए, तो आ गया ना जी एक मन में भावना आ जाती है कि मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए, जी जैसा आपका आप। प्रश्न यही था कि पहले नहीं था हिंदू मुस्लिम, अब क्यों हो रहा है? तो मैं बता दूं, पहले हिंदू मुस्लिम होता था, नहीं, और तो पहले था, वो पहले भी हिंदू मुस्लिम पहले भी था, लेकिन जी कहने का मतलब यह है कि हिंदू मुस्लिम को क्यों बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि तुम हिंदू हो और हम मुस्लिम हैं, और हम इसकी राजनीति करते हैं और हम इसकी राजनीति करते हैं। मैं आपको इसी बात का जवाब देता हूँ। असल में आजादी से ही, आजादी के पहले से और उसके बाद से कांग्रेस सतत हिंदू मुस्लिम करती रही, लेकिन अब जो हो रहा है, अब वो हिंदू हिंदू हो रहा है, क्योंकि हिंदू जाग चुका है और वो किसी तरह का उत्पीड़न नहीं सहेगा। किसी एक पक्ष को संतुष्ट करके दूसरे को लगातार दबाना, बहुसंख्यक लोगों को इस देश में दबाना, अब वो समूह सहन नहीं कर रहा है। तो वो अपने अधिकारों के लिए खुलकर बोल रहा है, और ये जब खुलकर बोल रहा है, हिंदू अगर गाली खाए अपने ही देश में, अगर हिंदू जलाल सहे, हिंदू अगर मार खाए, तो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन अगर हिंदू प्रतिरोध करने लगे तो लोगों को खुजली होने लगे, लोगों को जलन होने लग जाती है। तो क्योंकि हिंदू जाग चुका है, वो प्रतिकार कर रहा है, और आज देश में हिंदू हिंदू ही चल रहा है, हिंदू की लहर है, और होना चाहिए। और जहां तक भाईचारे की बात, तो गांधी जी ने भी जिन्ना से यही कहा था कि भाई भाईचारे से रहो, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि भाई तो हम तुम्हारे हैं और चारा भी तुम हमारे बनोगे, इसलिए भाईचारे की तो कोई बात नहीं। और जो गंगा जमनी तहजीब की बात की जाती है, तो गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, अभी नई तहजीब कहां से आ गई? तो कुल मिलाकर के जो बहुसंख्यक हिंदू अभी तक चुप था, वो बेइज्जती सहन कर रहा था, वो सहन नहीं कर रहा है, तो लोगों को जलन होने लगी। तो यानी कि हम मार खाएं तो लोगों को अच्छा लगे, कांग्रेस पार्टी को ये अच्छा लगता है। हिंदू अगर प्रतिकार करे, गौ जैसा, हिंदू मार खा खा के गौ जैसा बना रहे, ये लोग चाहते हैं, लेकिन आज वो हिंदू अगर शेर बन रहा है तो लोगों को दिक्कत हो रही है। तो समस्या ये हो रही है कि हिंदू क्यों जाग गया? तो अब हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, हिंदू अपने स्वाभिमान के साथ खड़ा हो गया और वो प्रतिकार करता। पहले मंदिर टूटते थे, कुछ बोलता नहीं था, दबा दिया जाता था हिंदुओं को, इसलिए अच्छे लगते थे लोग, लेकिन अब वो प्रतिकार कर रहा है, इसलिए लोगों को डर लग रहा है। हाँ मतलब हिंदू हिंदू अब जग गया, पहले नहीं जगा था हिंदू, जब से बिल्कुल, बीजेपी आ गई तब से हिंदू हिंदू हो गया है, और पहले हिंदू हिंदू नहीं था, ये कहना चाह रहे बीजेपी के महाराजा। आने से पहले हिंदू जग गया, और बीजेपी को लाने वाला ही हिंदू है। तो मतलब अब सीधी सी बात है कि बीजेपी के आने के बाद हिंदुओं में एक नई जान आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं यही हिंदू हिंदू, कहीं ना कहीं मुसलमान जो है, आप देखिए जहां कीरपुरी में बवाल हो गया, आप देखिए मध्य प्रदेश में बवाल हो गया, तो यही हिंदू हिंदू करते करते ही तो बवाल हो गया, इस बवाल को भी तो रोकना चाहिए। अगर अगर मुसलमान है, उन्होंने भी देश की आजादी में एक बड़ा योगदान दिया है, तो अगर वो रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, तो हमको हिंदू मुसलमान क्यों करना है? बात यहाँ पर फंसती है कि हम हिंदू मुसलमान क्यों करें? देखिए, दिल्ली को भाईचारा ले से अगर हम लीजिए, रहते हैं, भाईचारा से अगर भाईचारे की तरह हम रह रहे हैं, तो इसमें अगर कोई सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई सरकार कोई अगर एक पक्ष को सपोर्ट कर रही है, तो ये गलत है। जी, देखिए, जहां तक भाईचारे की और इस तरह की बात करें, और दिल्ली की बात ले लें या किसी भी प्रांत की बात लें, असल में जब तक हिंदू मार खाता था तो लोगों को अच्छा लगता था, वो खबर नहीं बनती। लेकिन अब क्योंकि हिंदुओं ने मार खाना बंद कर दिया,
अब हिंदू जवाब देने लग गया, इसलिए लोगों के पेट में दर्द होने लग गया। और बात करेंगे शांति की और भाईचारे की, तो जहां खड़े खंडहर मिलेंगे, जहां ध्वंसावशेष मिलेंगे देश भर में या कहीं भी, वहां इस्लाम के हस्ताक्षर भी मिलेंगे। लेकिन जहां सृजन, जहां सृष्टि है, वहां हिंदू का हस्ताक्षर आपको मिलेगा। तो हिंदू ने तो सदैव सृजन करना चाहा, हिंदू ने सदैव अच्छे अच्छे बनकर के रहना चाहा, हिंदू ने सदैव भाईचारा चाहा। लेकिन भाईचारा लोग हमसे कहते हैं, हम प्रवचन करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो लोग कहते हैं आप ऐसी बात करो कि देश में भाईचारा आए। हमने कहा भाईचारा आएगा कैसे, भाई तो दुबई में है और चारा लालू यादव के पेट में। तो भाईचारा लाने का सबसे बड़ा उपाय यह है कि भाई से बड़े भाई बन जाओ, तुरंत भाईचारा आ जाएगा। और इसका प्रमाण उत्तर प्रदेश में हमने देखा, और मध्य प्रदेश में से लेकर के असम तक, यहाँ सब जगह जब असल में हमने भाईचारे की बात की तो वास्तव में भाईचारा आने लग गया। और ये लोग नहीं, अब यहाँ पर अभी तो देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा था तो ठीक था, मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला तो ठीक है, ये बुलडोजर अगर गहलोत सरकार ने चला दिया तो वो गलत हो गई। तो तुष्टीकरण करते हुए हमने स्पष्ट देखा, मध्य प्रदेश की हम बात करें, खरगोन में भी वहां कितने पत्थर चलाए, पत्थर कहां से निकले, कैसे आ जाते आखिर पत्थर हिंदुओं के छतों पर। तो बेचारे अचार सूखते हैं, पापड़ सूखते हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जिनकी छत पर पत्थर ही पत्थर होते हैं, पेट्रोल बम होते हैं बल्ब के अंदर ऐसे डाल के रखा होता है, पेट्रोल डीजल डाल के बोतलों में भरा रखा होता है। तो ऐसे लोगों को पहचाना और उनकी असलियत सामने आ गई। अब क्यों राजस्थान की बात करें तो वहां तो बेचारा सीधा साधा हिंदू, निरीह है हिंदू, अपने मंदिर की पूजा करना चाहता है वो, उसको करने वहां कब किसी हिंदू ने पत्थर बरसाया, कब किसने पेट्रोल पंप फेंके या कब किसके घर में हथियार पाए गए। लेकिन ये कुछ नहीं होने के बावजूद भी जो गहलोत सरकार कर रही है कि व्यर्थ में तुष्टिकरण के चलते मंदिरों को तुड़वाना, ये एक मंदिर देखा और इसके पहले भी, ये कुछ महीनों से लगातार ऐसी चीजें सामने आ रही है, शोभा यात्राएं रुकवाना, जो अगर कोई भगवा ध्वज निकाले, रैली निकाले तो उनको ही जेल में डाल देना, इस तरह की कुकृत्य वो कर रही है। और हम तो कहते हैं कि कैसा किया कुकृत्य, क्रूर मंत्री पद की नादानी ने, माँ की कोख कलंकित कर दी इनकी कलुष कहानी ने, गहलोत कुल पर दाग लगाया निर्बुद्धि नादानी ने, अरे डूब मरो जाकर लल्लू मुल्लू चुल्लू भर पानी में, फल पाओगे आज नहीं तो कल अपने अभिमान का, हर बच्चा प्रतिशोध करेगा हिंदू के अपमान का। तो गहलोत सरकार ने जो हिंदुओं का अपमान किया है उसका फल उन्हें मिलेगा, और बहुत जल्दी मिलेगा। हिंदुओं का अपमान किया है उसका फल भी मिलेगा। धन्यवाद ब्रह्मचारी आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, गहलोत सरकार को बीजेपी ने घेरा है, और बताया जा रहा है राजस्थान के अलवर से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कलेक्ट्रेट ऑफिस में बीजेपी के कई कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं और जमकर गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और उनकी मांग है कि 300 साल पुराने जो मंदिर है जिसको तोड़ा गया है उसका पुनर्निर्माण हो, और जो जिसने मंदिर को तोड़ा है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए, ये मांग है बीजेपी कार्यकर्ताओं की। लेकिन लगातार वो गहलोत सरकार की नारेबाजी करते हुए आपको दिख जाएंगे, आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता का हुजूम, एक बीजेपी कार्यकर्ताओं का सैलाब कलेक्ट्रेट ऑफिस में मौजूद है, वो लगातार नारेबाजी कर रहा है। और उनकी मांग है कि 300 साल पुराने जो मंदिर को तोड़ा गया है उसका पुनर्निर्माण हो और तोड़ने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।